हेलो। हाँ जी, राधे कृष्णा जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हों और अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित हों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे, और मेरे चैनल का नाम है हिमाचली पहाड़ी कल्चर। तो फ्रेंड्स, आजकल बरसात के दिनों में हम जंगली सब्जियाँ खाना शुरू कर देते हैं। बरसात के दिनों में भी खाते हैं, जैसे जैसे मौसम होता है। पहले जैसे गर्मियों के मौसम में कचनार की कलियाँ थी, और वो जंगली भिंडी थी, बहुत सारी सब्जियाँ थी। और बरसात के दिनों में ये हो गई कैक्टस, और जिसको हम अपनी भाषा में छुरे बोलते हैं, और एलोवेरा। एलोवेरा को भी हम अपनी भाषा में बगद्वारे बोलते हैं, और उसकी सब्जी भी मैं कभी आपके साथ शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, ऐसी सब्जियां हमको खानी चाहिए, क्योंकि इनसे हजारों बीमारियां दूर होती है, और ये सब्जियां हमारे लिए दवाई के समान होती है। तो ऐसी सब्जियां हमें ज़रूर खानी चाहिए। और देखिए, हम इनको यहाँ पे निकाल रहे थे, और बीच बीच से इनका निकालना पड़ता है, छिलके जैसे छील करके, और फिर बीच में निकलता है इनका, जैसे कि मूली के जैसा बीच वाला भाग। तो इसकी बनाते हैं सब्जी। तो मैं और मेरे पतिदेव जी निकाल रहे थे यहाँ पे। तो इसका दूध बहुत ही ख़राब होता है, और जैसे कि ये दूध आंखों में भी नहीं पड़ना चाहिए। और जैसे हम काऊ मिल्किंग करते हैं, तो गायों के थनों में भी नहीं लगना चाहिए, हाथों को अच्छे से धोना पड़ता है। तो ऐसे निकाल लेंगे, और ऊपर से लगी थी बारिश, तो ये निकाल रहे थे यहाँ पे इस तसले में, और अंदर जाके बारिश लगी थी तो बाहर, तो अंदर जाके ही करेंगे इसके, निकालेंगे अंदर वाला भाग इसका, और फिर तो ऐसी सब्जियां बहुत ही गुणकारी होती है, इनसे हजारों बीमारियां दूर होती है। और ये देखिए, ऐसा होता है। तो हम आ गए थे यहाँ पे घर में, और यहाँ पे मेरी बेटी जला रही थी आग। तो आजकल आग जलानी बहुत ही मुश्किल होती है, क्योंकि लकड़ियाँ गीली होती है, तो आग जलाना मुश्किल हो जाता है। तो देखिए कितना धुआं लगा है यहाँ पे, और बाहर लगी थी बारिश, तो हम यहाँ पे अंदर ही ले आए थे इसको। और यहाँ पे मेरे पतिदेव जी कर रहे हैं इसको कट। और तो फ्रेंड्स, टाइम तो लगता है इस सब्जी को बनाने में, पर गुणकारी भी बहुत होती है ये, और टेस्टी भी बहुत बनती है। तो इसका हम मीठा भी बना सकते हैं, और नमकीन सब्जी भी। तो कुछ हम नमकीन बनाएंगे इसका, और कुछ बनाएंगे मीठा। तो ये देखिए, इसको हमने पानी के बीच में कट कर लिया था, और बीच बीच में अभी कट करने को है, क्योंकि पानी के बीच में इसका दूध जैसा सारा निकल जाएगा। और ये देखिए कितना दूध है इसमें, तो ये दूध बहुत ही ख़राब होता है। तो इसको मतलब 6-7 बार पानी से धो लिया था, और फिर 1-2 घंटा पानी के बीच में रखा है इसको कट करके। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई थी काऊ मिल्किंग करके, और अब बना रही हूँ मैं इसकी सब्जी कैक्टस की। तो ये देखिए, आगे वाले चूल्हे पे मैंने कढ़ाई रखी है, और पीछे वाले पे भी। तो आगे वाले पे बनाऊंगी मैं नमकीन सब्जी इसकी, और पीछे वाले पे बनाऊंगी मीठा।
तो आजकल खाना बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए कितनी गीली लकड़ियाँ है, आग जलानी मुश्किल हो जाती है। और कितना फ़ायदा रहता है चूल्हे पे खाना बनाने का, टेस्टी भी बनता है, गुणकारी भी बनता है और हमारे पैसे भी बच जाते हैं। जैसे कि सिलेंडर वगैरह के पैसे लगते हैं तो हम गांव के लोग ज़्यादातर चूल्हे पे ही खाना बनाते हैं। स्वादिष्ट भी बनता है, गुणकारी भी होता है और हमारा पैसा भी बच जाता है। तो ये मैंने इस डब्बे के ढक्कन में डाल दिया थोड़ा सा जीरे के दाने और थोड़े से मेथी के दाने, और लहसुन प्याज हमने पहले ही कट कर लिया था। और लाल मिर्च पीसी हुई ख़त्म हो गई थी तो मैंने साबुती डाल दी थोड़ी, एक दो मिर्च। और ये ले लिया मैंने इस ढक्कन में मीठे के लिए सौंफ के दाने और थोड़ी सी ले लिए मेथी के दाने। तो पीछे वाले बर्तन में मैंने रिफाइंड डाला था मीठा बनाने के लिए, और आगे वाले बर्तन में सरसों का तेल। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने डाल दिया जीरा और मेथी के दाने डाले पहले, और बाद में डाला कटा हुआ प्याज और लहसुन। और पीछे वाले बर्तन में भी तेल गर्म होने वाला है। तो ये भी गर्म हो चुका था, इसमें मैंने सौंफ और मेथी डाल दी क्योंकि ये बनाना है मुझे मीठा इसका। तो फ्रेंड्स मैं बना रही हूँ सिंपल ही मीठा इसका, कि इसमें हम सूखे मेवे भी डाल सकते हैं। और जैसे छोटी इलायची जो भी हमारे पास हो, गरी का बूरा जैसा, या गरी को कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए मेरा मीठे वाला तड़का तैयार हो चुका था। इसमें मैंने थोड़ी सी सौंफ और मेथी के दाने ही डाले। तो ये देखिए इसमें मैंने डाल दिया ये कटी हुई सब्जी। और नमकीन वाला तड़का भी तैयार हो चुका था, तो इसमें मैंने डाल दिया हल्दी पाउडर और नमक। तो इसको मैंने परात के बीच में रखा था तो इसमें पानी निकल रहा था, और देखिए थोड़ा सा चूल्हे के ऊपर भी गिर गया। तो ये देखिए देखने में कितना प्यारा लग रही है सब्जी ये।
और खाने में भी उतनी टेस्टी बनी थी, क्योंकि मैंने इसको बाद में एडिट किया है वीडियो को, तो आप भी एक बार ज़रूर बनाकर देखिएगा। ऐसी सब्ज़ियाँ बहुत ही निरोगी भी होती है और खाने में टेस्टी भी होती है, क्योंकि इनके ऊपर जैसे स्प्रे वगैरह कुछ भी नहीं होती और नेचुरल अपने आप खुद उगी रहती है। तो ऐसी सब्ज़ियाँ हमें ज़रूर खानी चाहिए, क्योंकि इनसे हज़ारों बीमारियाँ दूर हो जाती है और ये दवाई का काम करती है जंगली सब्ज़ियाँ। तो इससे ऐसा होता है कि हमारी सेहत भी ठीक रहती है और हमें बीमारियाँ वगैरह भी नहीं लगती है और पैसा भी बच जाता है हमारा। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको कर लिया अच्छे से मिक्स और मैं इसमें लगा दूंगी ढक्कन थाली का। और देखिए, एक ही चूल्हे पे हमारे तीन तीन बर्तन, तीन तीन सब्जियां बना सकते हैं हम, मतलब तीन चूल्हे हो जाते हैं हमारे इसी एक ही चूल्हे पे। तो ये वाला तड़का भी, सॉरी, ये वाला मीठा भी तैयार हो गया था, और तैयार तो सॉरी अभी नहीं हुआ कि, पर इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया और मैं इसके ऊपर भी ढक्कन लगा दूंगी। और इसमें मैं थोड़ी सी चीनी थोड़ी सी क्या स्वाद अनुसार चीनी डाल दूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने डाल दी इसमें चीनी और इसको मैं अब अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसके ऊपर भी ढक्कन लगा दूंगी थाली का ही। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने लगा दिया इसके ऊपर ढक्कन और इसमें मैं भूल गई थी मसाले डालना पिसे हुए, और थोड़ा सा मैंने तड़के में हींग डालना था तो उसको भी भूल गई थी मैं जल्दी जल्दी में, क्योंकि बाहर लगी थी बहुत सी बारिश, तो मैंने जाना था काउ सेट के लिए, काउ मिल्किंग करने के लिए। तो इसमें मैंने थोड़ा सा हींग डाल दिया और पीसे हुए मसाले सूखे, और अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँ। यहाँ पे मेरी बेटी भी मेरे साथ करा रही थी काम। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें एक बराबर आंच लगती है तीनों चूल्हों में, और अगर हम तीन चीज़ें बनाना चाहे तो एक बार ही तीन चीज़ें बना सकते हैं इस चूल्हे के ऊपर।
और अब मेरी बेटी यहाँ पे आग जलाती रहेगी और मैं उतने को चलो तो क्या करें, सेट में हम भी जाया अपनी आऊँगी हेल्प गायों करनी को चाहिए। खाना पीना दे करके और काउ मिल्किंग करके। तो ये देखिए मेरा मेरी सब्जी हो चुकी थी तैयार, मीठा भी और नमकीन भी। तो ये वाला है मीठा, तो मैंने नमकीन वाली कढ़ाई को नीचे उतार दिया था और मीठे वाली में पानी बहुत ज़्यादा था अभी, तो इसको सुखाना था तो इसको कर दिया था मैंने आगे, और नमकीन वाली को उतार दिया था नीचे क्योंकि ये सब्जी हो चुकी थी। तो ये देखिए बहुत ही टेस्टी बनी थी ये सब्जी भी। और बहुत ही टेस्टी बनी थी नमकीन वाली भी और मीठे वाली भी। अगर आपको मेरी वीडियो पर थोड़ी मिठन सी बने अच्छी लगे तो रहा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय लेने के लिए धन्यवाद।